गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम चलने वाले हैं आमला वाला जंगल, जो कि आप पहली बार सुन रहे होंगे। वहाँ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जानवर मिलते हैं। वहीं पे एक गोमती नदी है, सॉरी गोमती नहीं कठिना नदी है, कठिना नदी दिखाते हैं और आश्रम भी है वहाँ पे। चलिए फिर चल के वहाँ का पूरा सीन आप लोगों को दिखाते हैं, अब वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते हैं सीधा। गाड़ी में ब्रेक ऑटोमेटिक लग रही थी क्योंकि जगह टाइट थी और शिवम जी इसमें बना रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा बना नहीं पाएंगे। खुल अब चला के देखो, हो गई और क्या। अरे वो फूल ले भाई। हाँ। नहीं अभी नहीं सही, शिवम नहीं सही, अभी और ढीली कर देते हैं। सो गाइस, चलते चलते लग गई थी प्यास, पीते हैं पानी जो कि एक नेचुरल तरीके से है पानी, क्योंकि फिलहाल इंसानों ने नल लगाया गया, बट हमारे यहाँ नेचुरल पानी है, मिनरल वाटर की बोतल तो नहीं मिलेगी। तो इसी से प्यास बुझाते हैं। सो गाइस, ये रहा सामने जंगल, पहुंच चुके हैं। जंगल के अंदर चलते हुए हमको गैर भी लग रहा है, क्योंकि देखो तो कितना घनघोर जंगल है। यहाँ कई मतलब शिकार भी हो चुके हैं इंसानों के, टाइगर या जंगली जानवरों द्वारा। पर लेकिन वीडियो बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ अभी रिसेंटली की बात है कि हमारे गाँव के एक बंदे को खा गया टाइगर, मतलब मेरे गाँव के बगल वाले गाँव वाले लड़के को, हमारे जानने वाले ही थे। फिलहाल वो जंगल के अंदर नहीं, अपने खेत पर ही काम कर रहे थे तब भी, और जंगल का यह पूरा नज़ारा। और हम शिवम दोनों जंगल के अंदर जंगल है, सीधा जंगल के अंदर दोनों लोग, शिवम साहब इसमें ड्राइविंग कर रहे हैं। देख सकते कितना घनघोर जंगल है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आदमी लोग काम ना कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। आगे के लिए रास्ते नहीं है, नहीं है, थोड़ा बहुत जितना उतना अंदर चलेंगे डीप में। और जंगल की गहराई देख सकते हैं कितनी यहाँ पे गहराई में रास्ता है। सो गाइस, गाड़ी हम लोग यहाँ पे पार्क कर दी है, चलते हैं जंगल के अंदर। चलिए सुन जी, और यहाँ पे अभी किस्मत अगर साथ दी तो जानवर दिखाते हैं, मतलब टाइगर वाइगर तो नहीं, लेकिन छोटे मोटे जानवर हिरन वगैरह दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए फिर चलते हैं अंदर सीधा। आवाज सुन देगा कि टाइगर के साथ। चल निकलते हैं जल्दी जल्दी निकलते हैं, चल चलते चलो 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 जल्दी चलो, गाड़ी तो चालू कर। गाइस आप लोगों ने सुना टाइगर की आवाज, सीधा निकलते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. ये देखो छोटे वाले ट्रैक्टर का कमाल, गन्ना देख लो कितना छोटा वाला ट्रैक्टर, तो गन्ना देख लो। सो गाइस, फाइनली हम लोग पुल पे पहुंच चुके हैं। किसी तरह से आप लोगों ने आवाज तो सुनी होगी, जानवर होगी तो खास किस्म के, तो टाइगर की आवाज सुन के हम लोग सीधा डर गए, इतना भाग लिए सीधा। हालांकि नज़दीक में नहीं होगा, हमसे कम ज़्यादा नहीं तो 500 या 600 मीटर की दूरी पे होगा, लेकिन टाइगर की आवाज़ जंगल में गूंजती रहती है और काफ़ी दूरी तक रहती है। और बाकी अब नदी पर आ गए, नदी का सीन दिखाते हैं। और ये रहा गाइस नदी का कुछ सीन, जो कि यहाँ इस नदी में भी क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। और ये नदी अभी तो कम चल रही है, बारिश के टाइम पे ये पूरा पानी यहाँ तक आ जाता है सब, बाकी अभी तो नदी कम चल रही है। और ये पुल अभी नया बना हुआ है, क्योंकि इसे अभी 10-12 साल या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ दिन कंफर्म तो मुझे याद नहीं। और सामने लकड़ी का पुल बना हुआ है, जिस पर ये इतनी हैवी ट्रकें जो गन्ने की भर के आ रही हैं सारी इस पर ही निकला करते थे। आप इस टाइम इस पर निकलते, लेकिन अभी उधर चल के आप लोगों को दिखाते हैं सीधा।
गाइस ये लकड़ी का पुल देख सकते हैं, देख लिया अभी भी लकड़ी सड़ी नहीं हुई है। और ये हमारे जमाने का नहीं, हमारे दादाजी के जमाने का पुल है, क्योंकि दादाजी हमको बताते थे कि पुल, ये पुल हमारे जमाने में बना था। हमारे दादाजी को एक्सपायर हुए ही समथिंग आई थिंक 15 से 16 साल हो गए हैं, अब सोच सकते हैं आप लोग। और पुल आज भी देखिए जैसे का तैसा, अभी गिरा नहीं है पुल, ये थोड़ा बीच में डाउन टाइप में हो गया है। बाकी जंगल में बंदर यहाँ खूब रहते हैं, और इधर पीछे जंगल था, इधर भी मंकीस, लेकिन ये पुल आज भी चल रहा है। इधर भी क्रोकोडाइल पाए जाते हैं दोनों तरफ ही नदी में। और यहाँ पे यहाँ की एक चीज़ फेमस है, ये सामने छोटे छोटे से पेड़ जो देख रहे हैं, ये इनमें बेर बहुत से लगते हैं, जो कि टाइगर के कारण इस समय कोई नहीं इधर आ रहा, वरना ये सारे बेर टूट जाते थे, लोग सेल कर देते थे मार्केट में। और गाइस यहाँ का जो नज़ारा है वो मतलब दिल से बयान नहीं किया जा सकता है, कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर सकता है, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे आना ही पड़ेगा। आप लोग कभी इधर निकलें तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये लगिन तो लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, सिकंदराबाद रोड पे है, और सिकंदराबाद से आगे आएंगे मोहम्बी के लिए तो वहाँ पे पड़ेगा, ये साथ में जंगल भी पड़ेगा और ये भी पड़ेगा। आप लोग कभी आए तो इधर यहाँ पे ज़रूर विजिट करिएगा। इस पुल को बोलते हैं आमला वाला पुल, आई थिंक यही बोलते हैं कि शुभम, यही पुल का नाम बोलते हैं। क्या नज़ारा आ रहा है यार, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन चलना तो पड़ेगा। अब चलते हैं सीधा, आप लोगों को अभी बताए थे मंदिर, जो यहीं बगल में एक मंदिर पड़ता है वहाँ चलते हैं। ये मोड़ जो देख रहे हैं ये इतनी मतलब तीव्र मोड़ हैं कि यहाँ पे इधर सामने हमेशा आपको ट्रकें बसें पलटी हुई मिल जाएंगी, या कार वार उधर वाली भी पुल से, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है। तो जिस मोड़ की बात करें तो वो वहीं पे है, क्योंकि साल में यहाँ पे कम से कम 10-12 तो एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि ये बाहर के जब ड्राइवर लोग आते हैं तो यहाँ पे नहीं पता चल पाता है उनको क्या समस्या हुई है या क्या है, मतलब यहाँ पे मोड़ तीव्र है और अगर अधिक स्पीड हुई तो गाड़ी पलट जरूर जाती है। तो हम तो यहीं के लोकल रहने वाले हैं तो हमको अधिकतर देखने को यहीं पे मिली जाता है, और या न्यूज़ मिलती रहती है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे टिकटॉक के वीडियो बनाने के लिए कुछ चार लड़के आए थे, चारों ख़त्म हो गए थे, क्योंकि हम चार ही तो थे, चार लड़के यहाँ पे ख़त्म हो गए। बताइए उस मोड़ का आया वीडियो बना रहे थे, पता नहीं हमको पूरा तो उसकी कहानी नहीं सुनने में आया था। और जिस स्थान की बात कर रहे थे वो आ चुके हैं, ये रहा शनिदेव मंदिर, आप लोग पीछे मेरे देख ही रहे हैं, और ये रहा पूरा स्थान यहाँ पे। अब बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस आश्रम के अंदर पहुंचते हैं, हमको मिला दीमक का घर। क्योंकि जमीन के अंदर जितना घुसती है उतनी मिट्टी निकाल के बाहर डालती जाती है, इसलिए ऊंचा होता जाता है। ये तो कुछ नहीं, कम से कम 10-10 फुट के दीमक के घर बन जाते हैं जंगल के अंदर। कभी फिर टाइम मिला तो आप लोगों को दिखाते हैं। सो गाइस हमको दो भैया लोग मिल चुके हैं। आप लोग कहाँ से भैया? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं, बताइए। दिल्ली यहाँ से समथिंग आई थिंक 450 किलोमीटर की दूरी यहाँ से लगभग, इतनी दूरी है। भैया लोग बताओ मंदिर पे आए हुए यहाँ से, और आप लोग यहाँ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बढ़िया लगा। भोलेनाथ का यहाँ पे, भोलेनाथ हनुमान जी और शनिदेव का मंदिर है, आप लोगों ने देखा है जी। और भैया जी हमारे सब्सक्राइबर बन चुके हैं, हमारी फैमिली बन चुके हैं, भैया लोग भी वीडियो देखेंगे। तो फिलहाल तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।